दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने भी ऑफिशियल नोटिस दे दिया है कि आपका एग्जाम किस तारीख का होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 27 जनवरी के डेट में एक नोटिस अपलोड की गई है। इसे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने हाथरस जिले का बताया था। यहाँ पे देखिए सभी का आ गया है दिनांक 27 जनवरी 2024 को। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर यानी कांस्टेबल के 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को परीक्षा तिथि जो है फाइनल डेट यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है। और परीक्षा के लिए परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जाने हेतु यथा समय उपलब्ध होंगे। आपको बताएंगे किस तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रवेश पत्र दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसमें अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर यथा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ठीक, कि यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा, एडमिट कार्ड अभी ये नहीं आया हुआ है। आपको बताते हैं एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो डेट तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होना है। अब दोस्तों वहीं पे देखिए एक वेबसाइट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रेडियो ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। देखिए लिखित परीक्षा है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने के संबंध में, ये भी कितने तारीख को आया, 27 जनवरी 2024 को। और इनका एग्जाम डेट आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, 19 जनवरी उसके बाद 30 जनवरी फिर 1 फरवरी। तो अभी 19 को यानी 19 से दो दिन पहले ये जस्ट एडमिट कार्ड आया हुआ है। ठीक, अब ये है एडमिट कार्ड। अब हम देख सकते हैं इसके पहले आपको एक नोटिस और मिलेगा जहां पे ये बताया गया है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रेडियो संवर्ग के प्रधान परिचालक कर्मशाला में पदों पर सीधी भर्ती ऑनलाइन लिखित परीक्षा की शहर व दिनांक की सूचना। देख सकते हैं इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से शहर में सिटी इंटीमेशन, यानी पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आएगा। अब ये कितने दिन बाद आया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके पहले एक नोटिस और अपलोड किया गया है 12 तारीख के डेट में। आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा की तिथि हेतु, अभी जैसे हम लोग यहाँ दिखाया 12 तारीख के डेट में ये है 12 के उसके बाद यहाँ पे 8 दिन बाद यानी एक हफ्ता बाद आपको लिखित परीक्षा का यहाँ पे डेट दिया गया है। उसके बाद 20/7/27 फिर 7/27 यानी 7 दिन बाद फिर से आपको एडमिट कार्ड का लिंक दे दिया गया है। उसी तरह से इसमें अगर हम यहाँ पे देखें जिस तरह से आज अगर 27 तारीख को यहाँ पे दिया गया है कि आपका एग्जाम डेट कब है, ठीक, तो इसके 7 दिन बाद 4 इधर हो गया, लगभग 3 तारीख तक आपका सिटी आ जाएगा कि किस शहर में आपका परीक्षा होगी और किस डेट पे होगी, इसको सिटी इंटीमेशन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर लगभग 10 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक, फाइनली 10 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 3 तारीख तक आपका सिटी आएगा और 27 तारीख को आपका इसका डेट आया है। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपको हम वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। आप चैनल पर लगातार बने रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हिंदी के हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।